चलिए बाल मित्रों, आप सब तैयार हो जाइए भारत भ्रमण के लिए। पिछली पाठ में मैंने आप लोगों को मसूरी घुमाया था। इस पाठ में मैं आप लोगों को भारतीय संस्कृति का परिचय करवाते हुए बहुत से किलों का दर्शन करवाऊंगी और उसके बारे में कुछ समझाऊंगी। तो हम चलते हैं हमारा पाठ 9 की ओर, भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक किले। भारत अपनी प्राचीन सभ्यताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ के ऐतिहासिक किले अतीत की गाथा सुनाते हैं। हमारी संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ के ऐतिहासिक स्मारक अतीत की गाथा सुनाते हैं। यहाँ पर अनेक ऐसे संग्रहालय हैं जो हमें पुरातत्व की तस्वीर दिखाते हैं। इन्हीं प्राचीन सभ्यताओं में एक है यहाँ के किले, जो कि राजा महाराजाओं की शान शौकत की छवि हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बच्चों, पुरातत्व शब्द आप लोगों के लिए नया होगा, उसके बारे में मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। पुरातत्व वह विज्ञान है, साइंस है, जो पुरानी वस्तुओं का अध्ययन व विश्लेषण, मतलब पुरानी वस्तुओं के बारे में खोजबीन करके मानव संस्कृति के विकास क्रम को समझने एवं उसकी व्याख्या करने का कार्य करता है। यह विज्ञान प्राचीन काल के अवशेषों और सामग्री के उत्खनन के विश्लेषण के आधार पर अतीत के मानव समाज का सांस्कृतिक वैज्ञानिक अध्ययन करता है। चलो पधारो मारे देश मा, खम्मा गणी बच्चों, किलों का जिक्र हो और हम राजस्थान नहीं जाए तो हमारा भ्रमण अधूरा रह जाएगा। राजस्थान राजाओं का स्थान माना गया है, तो चलो हम राजस्थान घूमने चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े तथा खूबसूरत किलों में से एक है जैसलमेर का किला। यह भारत की राजस्थान राज्य में है। इसे बनवाने वाले रावल जैसल थे, जिन्होंने थार राजस्थान के बीचों बीच इसे बनवाया था। इसका दूसरा नाम सोनार किला भी है। यह शहर से 76 किलोमीटर दूर है और एक पहाड़ी पर त्रिकोण के आकार में बनाया गया है। यह भारत में दूसरा पुराना किला माना जाता है। इस किले का मुख्य आकर्षण जैन मंदिर, रॉयल पैलेस तथा इसके बड़े बड़े दरवाजे हैं। जैसलमेर शहर हवेलियों और झीलों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो बच्चों, हमने जान लिया जैसलमेर किले के बारे में। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ की तरफ। चित्तौड़गढ़ अपने किलों के लिए बहुत मशहूर है। इसे किलों का शहर कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ में बेराज नदी के किनारे इस किले को बनवाया गया था। नदी के किनारे स्थित होने के कारण इसे पानी का किला भी कहा जाता है। इस किले में 84 पानी की जगह है। हाँ, यह अवश्य है कि सभी 84 आज के समय में काम नहीं कर रहे, मगर 24 स्थान अभी भी सही है। महाराणा प्रताप की बहादुरी की गवाही देने वाला यही किला है। यहाँ पर राजस्थान का मशहूर त्योहार जौहर मेला भी मनाया जाता है। इस किले के विजय स्तंभ व राणा कुआ नाम के दो प्रसिद्ध जलाशय भी है। पर्यटक दूर दूर से चित्तौड़गढ़ में किले देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर अन्य किले जैसे कि अंबर किला, जिसे आमेर का किला, जयगढ़ किला तथा तारागढ़ किला भी है। बच्चों तैयार हो जाओ, हम राजस्थान आए ही हैं, तो क्यों न हम दिल्ली भी घूम लें। चलो हम दिल्ली की ओर चलते हैं। वहाँ पर मैं आपको लाल किला के बारे में बताऊंगी। आहा, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला अत्यंत प्रसिद्ध किला है। आप लोग सब लोग जानते हो इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसे लाल किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बाहरी दीवार लाल पत्थर की बनी है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हमारे स्वतंत्रता दिवस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण करते हैं। अनेक देशी विदेशी पर्यटक लाल किले को देखने आते हैं। इसमें दीवाने खास, दीवाने आम व मोती मस्जिद देखने योग्य है।
इसे यमुना नदी के किनारे बनाया गया है। इस किले में पुरातात्विक संग्रहालय भी देखने को मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम मुड़ेंगे मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश भी किलों के लिए मशहूर है। मध्य प्रदेश में आप कई तरह के किले देखेंगे, लेकिन ग्वालियर का किला सबसे मुख्य किला माना जाता है। इसका निर्माण राणा मानसिंह तोमर ने करवाया है। इसे आप एक ऐतिहासिक स्मारक भी कह सकते हैं। इस किले का मुख्य आकर्षण सास बहु मंदिर और गुजारी महल है। यह राजसी स्मारक है और भारत के मशहूर किलों में से एक है। इस किले की यह खूबी है कि इस पर डाक टिकट, मतलब जो लेटर लिखते समय हम चिपकाते हैं ना, वह भी जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थलों में से एक है यह। हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। हैदराबाद में आप लोग क्यों तशरीफ लाया? क्या हो गया? थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही थी हैदराबादी लैंग्वेज बोलने के लिए, तो मैं आप लोगों को अभी हैदराबाद घुमाऊंगी। और वहां पर हम वहां का जो सबसे मशहूर किला है गोलकोंडा किला, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसका निर्माण काकतिया राजा ने करवाया था। यह आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में स्थित है। यह किला अपने समृद्ध इतिहास तथा राजसी भव्य संरचना के लिए प्रसिद्ध है। गोलकोंडा कोल्लूर झील के पास हीरे की खान के लिए भी प्रसिद्ध है। हैदराबाद के साथ आश्चर्य के रूप में इसे देखा जाता है। आता आली रे आली महाराष्ट्राची बारी, चला बाळांनो आपण महाराष्ट्रात जाऊया। अरे हे मैं क्या कर रही हूँ, जिस राज्य में जा रही हूँ वही की भाषा बोलने लग जा रही हूँ। तो बच्चों, हम अभी महाराष्ट्र में चलेंगे। महाराष्ट्र भी अपने किलों के लिए बहुत मशहूर है। अब मैं बताऊंगी आप लोगों को जिस किले के बारे में, वह किला है पन्हाला किला। यह किला मराठा शासकों की याद दिलाता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास सह्याद्री पर्वत में इस किले को बनवाया गया था। महाराष्ट्र के अधिकतर किले शिवाजी के समय के हैं। कुछ किले जैसे बहादुरगढ़ किला, अहमदगढ़ किला और रत्नगढ़ किला इत्यादि ट्रैकिंग के लिए भी प्रसिद्ध है। ट्रैकिंग मतलब पहाड़ पर चढ़ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा यह पाठ पढ़ते समय। हम सचमुच में तो नहीं जा पाए, लेकिन हमने इमेजिन कर लिया कि यहाँ पर जाना कितना रोमांचक है। दिल्ली का कुतुब मीनार या आगरा का ताजमहल पर जानकारी एवं चित्र एकत्रित करके एक सुंदर परियोजना तैयार कीजिए।